अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के जो सरधनाम से विधायक हैं, आज उनके अनशन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में इस अनशन को सत्याग्रह का नाम दिया है। 6 दिसंबर है और अंबेडकर जी को याद करते हुए हवन में आहुति देते हुए आज कुछ मांग की है। वो क्या मांग की है ये यहाँ के जितने भी जो अनशन में मौजूद हैं वो लोग बताएंगे, इनसे ही जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आज हवन किया थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम जयराज चपराना है और छात्र संघ अध्यक्ष हूँ एनएस कॉलेज सपुर में। आज डॉक्टरों की बुद्धि के लिए हवन किया गया है। भगवान ना जाने उन्हें कुछ सद्बुद्धि दे और उन्होंने जो लूट के कमीने खोल रखे हैं इस शहर में, ना जाने उन्हें दया आ जाए गरीब लोगों पर, जो लोग अपनी ज़मीनें और अपना जेवर गिरवी रखकर इलाज कराने आते हैं, ना जाने उनकी संपत्ति बच जाए, उनके आभूषण बच जाएं, उनके मकान गिरवी होने से बच जाएं, उन पर दया दिखाते हुए उनके इलाज में राहत दें। और जो इतना महंगा इलाज मेरठ के डॉक्टरों ने कर रखा है उसे कम करें, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, इस हवन के माध्यम से यही संदेश दिया गया है। डॉक्टर ने एक वीडियो भी सामने आया, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अतुल प्रधान अपनी तरफ से एक अस्पताल बना दें, वो फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अतुल प्रधान डॉक्टर नहीं है, मैं उनको कहना चाहूँगा वहाँ अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर की, अतुल प्रधान अपनी उससे क्षमता से अस्पताल बना लें अपनी विधानसभा में, फ्री में जाकर हम इलाज करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अतुल प्रधान एक क्षेत्र के विधायक हैं और वो सरकार से अनुरोध कर सकते हैं अस्पताल बनाने के लिए, और सरकार अगर चाहे अतुल प्रधान के प्रस्ताव पर अस्पताल बना दे, क्योंकि अतुल प्रधान ना डॉक्टर हैं, ना उनके पास अपनी कोई फंडिंग है, ना कोई वो व्यापारी है, ना कोई बिजनेसमैन है, क्योंकि वो सरकार को एक प्रस्ताव दे सकते हैं और सरकार के सहयोग से एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, अच्छी बात है। और बन जाएगा तो आप लोग आइए, उसमें बिल्कुल आपका स्वागत है, आप फ्री इलाज करिए। और वो तो दूर की चीज़ें हैं, वो तो भविष्य है हॉस्पिटल बनाने का। आपके पास आज भविष्य में अभी भी वर्तमान में आपके पास जो हॉस्पिटल है आप उसी से पहल शुरू करिए ना, आप भविष्य की बात क्यों करते हैं? आप कहिए कि हम अब आज से ही शुरू करते हैं, हमारे जो हॉस्पिटल शहर में खुले हुए हैं वहाँ फ्री इलाज करेंगे, आप आज ही शुरू कर दीजिए ये मुहिम, बड़ी अच्छी रहेगी, आपका स्वागत रहेगा, आपका धन्यवाद रहेगा। डॉक्टरों को जवाब दिया है, आज हवन कुंड हुआ, आप भी शामिल थे हवन में, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई लंबी है और हम आखिर तक लड़ेंगे, इस लड़ाई में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, बड़े भाई अतुल प्रधान जी हमारे अनशन पे बैठे हैं, हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। आप भी तीन दिन से अनशन में हैं या आप सिर्फ समर्थन दे रहे हैं? हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, भाई सिर्फ अकेले बैठे, एक बुजुर्ग बाबा जी हैं वो साथ में बैठे हुए, और हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, काफी सब लोगों का सहयोग है। अतुल प्रधान के बाबूजी बैठे हुए हैं, क्या कहना, क्या कहा आपने, मैं थोड़ा सा वो जानना चाहिए। ये बुजुर्ग हैं बाबूजी जो हैं, ये हमारे जंदेड़ी गांव के रहने वाले, कल से बैठे हुए हैं अनशन पे, उनके साथ में बैठे, समर्थन देने के लिए कई दल, बिल्कुल बिल्कुल काफी लोगों की संख्या है। 4 दिन के बाद क्या कहना चाहेंगे, सब आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं, क्या बड़ी कुछ बात बताने वाले हैं, क्या कुछ परिचय देते हुए बताएं? मैं जितेंद्र गुजर पाली हूं और जिला पंचायत सदस्य हूं, और हमारा जो है इस अनशन पे जो है जो सत्याग्रह चल रहा है इसमें पूर्ण रूप से पूरा समर्थन हमारा साथ में है। हम गाँव गाँव जाके भी लोगों को जागृत कर रहे हैं जिससे कि वो सब लोग आकर के इस हवन में, यो जो सत्याग्रह का हवन चल रहा है इसमें सब आहुति देवें, और जो भी ये जो भी प्रकरण चल रहा है, जो भी डॉक्टरों की तरफ से इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, भगवान से हम जो है आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर यही चाहेंगे कि इस हवन में जो है ऐसी आहुति हम उन्हें देंगे कि भगवान जो है इनकी सद्बुद्धि, इन्हें सद्बुद्धि दें, और जनता की थोड़ा जनता के बारे में सोचते हुए, जनता की गरीबी के बारे में सोचते हुए उसी तरीके से जो है जनता जनता को लूटने से लूटने का काम जो आपके हिसाब से हो रहा है वो बंद हो जाए, क्या कहना चाहते हैं? ये आज धरने पे बैठे हुए हैं कितने दिन, 3 दिन बैठे हैं या आज ही आए हैं? लगातार निरंतर जब से विधायक जी इस सत्याग्रह पर अग्रसर हुए हैं हम सब लोग उनके साथ हैं, और जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता हम विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर आहुति देने के लिए तैयार हैं। हर आहुति देने के लिए तैयार हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नाम बताएं और इसे छोड़ दीजिए, ये तो हम पकड़ लेंगे। मेरा नाम गुड्डू प्रधान है, मेरी उम्र लगभग 52 वर्ष है,
और मैं लगभग 25 वर्षों से अपने गांव का कभी प्रधान हो जाता हूं, कभी हार जाता हूं। एक बार वार्ड 31 जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें मैं हार गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये भाइयों, अपने इस 50 वर्ष की उम्र में मैं ऐसा इस शासन प्रशासन ने जो जुर्म किया है पहली बार देख रहा हूँ। अगर कोई गाँव का प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख किसी मरीज के लिए अस्पताल में कहने जाता है अगर भाई ये गरीब आदमी, इसकी कुछ फीस कम ले लो, इससे जो इस्टीमेट बना है, जो बिल बना, उसको कम कर लो, तब हम छोटे पद जैसे, पद प्रधान जैसे, जिला पंचायत सदस्य जैसे अगर चले जाते, उनका तो पता नहीं, वो मर्डर ही कर देते। जब एक विधायक क्षेत्र का जाएगा अस्पताल में, भाई इसका बिल कम कर दो, क्या जुलम कर दिया तुम प्रधान ने भाई? अगर जनता की आवाज़ उठाता है कोई जनप्रतिनिधि, तो उसकी बात माननी चाहिए। आप ये कह रहे हो, जायज बात उसकी माननी चाहिए, जो गरीब आदमी उसकी बात माननी चाहिए। और आज जो हमने यज्ञ किया है, इकले अस्पताल वाले के लिए क्या, ये शासन प्रशासन के लिए क्या है? प्रशासन पुलिस को रिपोर्ट करनी थी अस्पताल वाले के खिलाफ, अब कर दी, जो इलाज कराने के उसके खिलाफ, अतुल प्रधान के खिलाफ भी, ये कहाँ का कानून है? एक बार आखिरी बार मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ ये धरना स्थल का। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कैमरा ऐसे घुमाया जाए, आप देखिए कि जो आते जाते लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े होकर ये सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं और अपनी बात को रखना चाह रहे हैं या बात सुन रहे हैं। और देखिए कि सबका समर्थन यहाँ पर तालियों के साथ मिल रहा है। इसका मतलब जो ये लोग यहाँ पर हम जिनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता से जुड़ा मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सही साबित कर रहे हैं कि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं वो भी डॉक्टर या अस्पतालों से कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।